चाय की एक चुस्की से इंसान खुद को तरोताजा महसूस करता है। चाय की एक प्याली से लोगों की नींद भाग जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाय बाहर पीते हैं वो मिलावटी भी हो सकती है। मुंबई पुलिस ने दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो चाय में मिलावट करते थे। पुलिस ने इनके पास से 430 किलो मिलावट चाय पाउडर और रंग जब्त किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम राजू अब्दुल जहर शेख और राहुल अब्दुल जहर शेख है। दोनों ही मुंबई के होलसेल डीलर को ये मिलावटी चाय सप्लाई करते थे। लगातार बढ़ती शिकायतों की वजह से टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा जाता है कि केमिकल कलर्ड चाय की आवक बाजार में काफी ज्यादा हो गई है। इन चीजों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की जरूरत है। इसी के मद्देनजर मुखबिर की सूचना के बाद मुंबई पुलिस ने FDA के साथ मिलकर रविवार को शिवड़ी इलाके में एक गोडाउन पर छापेमारी की, जहां से उन्हें ये मिलावटी चाय बरामद हुई। मुंबई पुलिस ने जब इस गोडाउन पर छापेमारी की तो उन्हें यहां कई बोरियों में भरी चाय बरामद हुई। इस जगह पर पुलिस को रंग और मिलावटी पाउडर भी मिला है। पुलिस ने पाया कि इस जगह पर कई बिल बुक और वजन तोलने वाली मशीन भी थी। जांच में पाया गया है कि गोडाउन के अंदर कई आर्टिफिशियल कलर और प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों को भी रखा गया था।